अब वन को इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू, तो 22 1000 हो जाएगा 22। अब यहाँ पे 22 2000, तो जब ये 2 को हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये 2 को हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। तो आंसर इज 44, 22 2000 44। अब यहाँ पे 22 3000, तो 3 को हम इसको से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 3 को हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 22 2000 हो जाएगा 66। अब यहाँ पे 22 4000, तो 4 को हम पहले इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। अब ये 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 22 4 88। अब यहाँ पे 22 5000, इसमें थोड़ा अलग होगा, तो 5 2000 पहले हम लिख देंगे 12, और 5 2000 यहाँ पे भी हो जाएगा 10। सो हम ये 10 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, और ये 0 को हम यहाँ पे ला देंगे तो हो जाएगा 110। 22 5000 110। अब यहाँ पे 22 6000, तो 6 2000 6 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 6 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। सो 12 और 1 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होंगे 13, और यहाँ पे 2 हम यहाँ पे ला देंगे तो जाएगा 132। 22 6000 132। अब यहाँ पे 22 7000, 7 को 2 से ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फिर से 14। 14 प्लस 1 कर देंगे हम, 14 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 15। और ये 4 को हम यहाँ पे ला देंगे तो हो जाएगा 154। 22 7000 154। अब यहाँ पे 22 8000, तो 8 2000 हम पहले कर देंगे 16, और 8 2000 फिर से 16 कर देंगे, तो 16 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, और ये 6 हम यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा 176। 22 8000 176। अब यहाँ पे 22 9000, 9 2000 पहले हम कर देंगे 18। अब 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 18 हो जाएगा। अब 18 प्लस हम 1 कर देंगे तो हो जाएगा 19, और ये 8 को हम यहाँ पे ला देंगे तो हो जाएगा 8। अब 22 10000 की भी मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक है कि 22 हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, और 10 का 0 हम यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा 220। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।